फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद जनक में। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की दही वाली सब्जी। एक न्यू स्टाइल और न्यू रेसिपी है, आप इसे घर में ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी और यमी रेसिपी है, ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही लाजवाब रेसिपी लगेगी ये। इसको आप चावल के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ, जिसके साथ भी खाना चाहे खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो चलिए इस न्यू और डिलीशियस रेसिपी को बनाने की रेसिपी जान लेते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चलेंगे इस सब्जी को बनाने के लिए। तो ये मैंने पालक ली है, ये एक कटोरी के करीब पालक है, बड़ी कटोरी है ये। इसको मैंने पानी में बॉईल कर लिया था पालक को। और ये वन कटोरी के करीब ये दही है, ये हाफ से वन फोर्थ कटोरी करीब ये गेहूं का आटा है, ये इसमें यूज आएगा। ये 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं। इसके अलावा ये अमचूर पाउडर है, ये नमक है, ये हल्दी है और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। तो चलिए हम पालक की दही वाली सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें मैं क्या करूँगी कि ये जो हमारा दही है एक कटोरी, ये पूरा दही मैं इसमें डाल दूंगी मिक्सी के जार में। और इसके अलावा जो ये मेरी पालक थी, ये पालक भी मैं इसमें डाल दूंगी और गेहूं का आटा इसमें मिक्स करके हम इसे पीसेंगे। तो ये पालक जो है सारी ये मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरीके से। ये बहुत यूनिक और न्यू रेसिपी है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनती है ये। ये मैंने डाल दी इसमें पालक। अब इसके अलावा जो हमारा आटा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो आटा मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब अमचूर पाउडर डालूंगी। तो ये 1/2 टेबल स्पून है डाल के। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो हमको बारीक पीसना है इसको मिक्सी में, तो हम इसे पीस लेते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। ये जो लहसुन की कलियां थी मैंने इनको इस तरीके से बारीक पीस लिया है, इस तरीके से मैंने इनको बारीक पीस लिया है। तो ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम सबसे पहले लहसुन की कलियां इसमें डालेंगे फ्राई होने के लिए। हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं जो हमारी लहसुन की कलियां थी वो इसमें डाल देती हूँ। अब इनको तब तक फ्राई होने देंगे जब तक कि हल्की ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है, तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। लहसुन देखिए हल्का ब्राउन कलर का हो गया। अब जो मैंने ये जो पेस्ट बनाया था पालक का, दही का और आटे का, वो हम इसमें डाल देंगे। तो हम इस पेस्ट को बिल्कुल धीरे से डालेंगे, आराम से। ये मैंने डाल दिया पेस्ट। अब हम इसके अंदर हमारे मसाले डालेंगे हमारे, तो 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, और 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब इसे घुमा लेंगे। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जिसको इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। तो हम इसे तब तक थोड़ा हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर इसे हम ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मैंने सब्जी को 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद हम इसका लाल मिर्ची का इसमें तड़का लगाएंगे। तो 5 मिनट बाद हम इसे खोल कर देखेंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमारी सब्जी को हम खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी तड़का लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं, और मैंने दूसरी साइड पे 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के तड़का पैन रखा है। और ऑयल गर्म होते ही हम इसमें लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसका तड़का लगाएंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आपको याद होगा पहले मैंने लाल मिर्च कम डाली थी, तो अब इसमें हम इसको तड़का लगा देंगे हमारी लाल मिर्च का, और फटाफट से ढक्कन लगा देंगे। और इसे 2 मिनट के लिए हम इस तरीके से ही रखेंगे ताकि जो इसमें तड़के का स्वाद जो है वो अच्छे से आ जाए। फिर हमारी सब्जी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी सब्जी
बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है, एकदम सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपके घर में मेहमान आ जाए, आपको समझ में ना आए कि क्या बनाना चाहिए, इसको बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सब लोग आपकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत ही यूनिक और न्यू स्टाइल रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।